तो क्या आपको भी कूल सिनेमैटिक्स बनाने हैं? तो मैं आपके लिए लाया हूँ रीप्ले मोड फॉर माइनक्राफ्ट। ये मोड बेस्ट है और दूसरे मोड से। पहले आपको क्लॉक एंड एनविल लेनी है, तो यहाँ पे क्लॉक का नाम चेंज कर देना एंड रीप्ले रख देना, एंड ध्यान रखना कि सारे लेटर स्मॉल में हों। एंड फिर उसके बाद 2 सेकेंड होल्ड करके रखना एंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा तो उस पर दबा देना। एंड फिर यहाँ पर आप अपना बिल्ड स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ बिल्ड बना लेता हूँ। एंड अगर आपका बिल्ड कंप्लीट हो जाए तो आप इस पर 2 सेकेंड होल्ड करके रखना एंड इसको स्टॉप कर देना, एंड फिर आपका बिल्ड यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 2 सेकेंड होल्ड करके रखना एंड यहाँ पे ये देखो अभी आपके पास टाइम फ्रेम 0 सेकेंड्स है। तो मैं इसको ना 1 पे करता हूँ, तो 1 पे करके आप लोगों को सबमिट कर देना एक बार तो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे प्लेयर था शुरू होने से पहले रिकॉर्ड के टाइम, एंड यहाँ पे ये देखो फिर मैं ना इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो मैं 49 रखता हूँ। एंड 49 पे देखो इतना आगे था मैं। एंड अभी आपको यहाँ पे कैमरा एंगल सेट कर लेना जिसकी मेरे को ये चाहिए। तो ऐसे इसी प्रोसेस को आपको धीरे धीरे करते जाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप थोड़ा अच्छे से करना है, एक एक सेकंड करके। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं 57 किया एंड यहाँ पे एंगल सेट करते जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेरा बिल्ड कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा एंड इसको यस कर देना। एंड आपके पास यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट्स आने लग जाएंगे जहाँ पे ये आपका कैमरा बताएगा। फिर से 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे ये देखो प्री कैलकुलेटेड आएगा, तो इसको रखना। एंड रीप्ले स्पीड को मैं 3 पे कर देता हूँ। एंड फिर आपको इसको सबमिट कर देना है जैसे कि मैं कर दिया। एंड ये रहा आपका सिनेमैटिक्स। सो गाइज, ये था अपना रीप्ले मोड। एंड अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल के सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।